आपको कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबिलिटी के आधार पर आपने यहाँ पर टिकट दे दिया। अजय जी, आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है? सर, पिछले विधानसभा चुनाव में तो जमानत जब्त हुई थी, लोकसभा की एक सीट इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, तब भी दाल नहीं गली। अब की बार देखिए, पिछली बार हमारे पास ना संगठन था ना कोई चुनाव की रणनीति थी। इस बार हम पूरे सीरियस तरीके से, हरियाणा में हमारा एक 1.5 लाख लोगों का सबसे बड़ा संगठन है, और रही कुरुक्षेत्र में हमें एक सीट मिली थी, उस सीट में हम बराबर की टक्कर में रहे थे, बहुत कम मार्जिन से हमारे थे। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना विधानसभा का कोई भी ताड़ा खुलने वाला नहीं है। किंग मेकर तो आम आदमी पार्टी बन रही है, जेजेपी पिछली बार बड़े चौड़े हो रहे थे, आप किंग मेकर बनकर इस बार बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं, कहीं बाहर वालों को भले लगता हो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई रोल है, हरियाणा के लोग जानते हैं कि इस पार्टी का हरियाणा में किसी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जेजेपी का रोल है कुछ? जेजेपी का रोल पिछली बार भी रहा था, इस बार भी पक्का जेजेपी का ही रोल होगा इसमें कोई। सारी तो जेजेपी खाली कर दी बीजेपी ने, अभी जो कांग्रेस के नेता भी गिना रहे थे, बचा ही कौन? एक माँ एक बेटा दो ही विधायक बचे, बाकी सारे निकल लिए, सबको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। देखिए, ये बड़ी पार्टियों का जोर चले तो किसी छोटी पार्टी को बढ़ने भी ना दे और चलने भी ना दे। इनका तो कोशिश ये रहती है कि या तो इंडिया अलायंस में आ जाओ या एनडीए में आ जाओ। जो इन दोनों अलायंस में नहीं आता उसके लिए मुश्किल तो पैदा करते ही हैं दोनों बड़े दल। ये तो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल ना रहे, लेकिन रीजनल पार्टियां ही ओरिजिनल होती हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, सुख हो दुख हो उनके काम हो। रीजनल पार्टी तो ये भी है ना, चाचा वाली पार्टी। INLD के राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों का क्या होने वाला है इस बार? हमारा तो जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का नाम ही काफी है, आप सारे हरियाणा। पिछली बार तो काफी नहीं हुआ था, पिछली बार तो खाता खुला भी नहीं था, है ना, शटर डाउन हो गया था। जहाँ जो बीजेपी आज राज कर रही है, ये आ रहा है चौथाई पर धरती वो आकर दिन गए। अब चौटाला के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास कदे 10 सीट ले आकर दे, कदे 5 ले आकर। इस बार क्या होने वाला है? सरकार बनाने वाले हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और ये गठबंधन। ये जनता भरोसा कर पा रही है क्या? हाथ उठाइए जिसके सवाल है, जल्दी से जरा जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं पानीपत की जनता से यहाँ पर मुद्दे क्या है, सवाल क्या है, किसको अपनी बात रखनी है, आइए। इनका खाता भी नहीं खुलना जी, इस बार कांग्रेस पूरी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस ठीक है, आप जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार जो कहती थी 75 पार, कहां गए? इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, आपने उधार में कैंडिडेट लिए हैं, वो भी दान में मांग करके। सवाल तो पूछ लो, कोई नेता से कोई सवाल लेते हैं, आप क्या विकास करेंगे? 9.5 साल में तो आपसे एक विकास नहीं किया गया, आप कहते हैं विकास हुआ, विकास तो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री कच्चा बदलने से विकास नहीं होगा, दस्त कभी नहीं रुकेंगे। थोड़ा थोड़ा संयमित अंदाज में अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ही गुस्सा ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के लिए मौजूद है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है पानीपत के लोगों के लिए। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक स्तर पर हर कार्यकर्ताओं का, हर नेताओं का, हर मुख्यमंत्री को बदलना पड़ गया। मुख्यमंत्री बदलना हमारा काम नहीं है, वो ऊपर वाली संगठन का काम है। जब कोई मांग थी ऊपर वालों ने बदल दिया, डिमांड थी ना। यही तो आरोप लगते हैं खर्ची पर्ची, आप लोग कांग्रेस पर खर्ची पर्ची के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कहती है इनके तो मुख्यमंत्री का नाम पर्ची से ऊपर वाले निकाल देते हैं, पर्ची से निकलता है आपके मुख्यमंत्री का नाम? खर्ची और बिना पर्ची का अगर जो कार्य करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और खर्ची पर्ची के आरोप आप पर लगते हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए 9.5 साल बाद इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अगर इनका काम बिना खर्ची पर्ची के था तो चेहरा क्यों बदलना पड़ा? कठपुतली मुख्यमंत्री पहले था, कठपुतली मुख्यमंत्री अब है, दोनों कठपुतली मुख्यमंत्री, दोनों खट्टर साहब भी और सैनी जी। इनके पास तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है नहीं, संगठन नाम की कोई चीज नहीं, कठपुतली हमारे को बता रहे हैं, आज तक संगठन इनका बना नहीं है, जिला अध्यक्ष कोई मंडल सत्र। इनके नेताओं को तो आप मांग रहे हो, इनके यहाँ के नेताओं को ले लेकर टिकट आप बांट रहे हो। राजनीति का क्षेत्र में क्या होता है, राजनीति का क्षेत्र में राजनीति की जाती है। अब कह रहे हो संगठन नहीं, आप तो कुमारी सैलजा पर भी आपके नेता कह रहे हैं आ जाओ जी बीजेपी में दरवाजे खुले। स्वागत है सभी का, स्वागत है सैलजा जी का, सभी का स्वागत। सम्मान क्यों नहीं दे पाती है कांग्रेस अपने नेताओं को, सम्मान क्यों नहीं दे पाती, कार्यकर्ता क्यों छोड़ छोड़ कर कांग्रेस पार्टी जाते हैं? आप यहाँ पर कह रहे हैं मुस्कुराकर कि साहब बीजेपी ने 40 जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे दलों के दे दिए, तो फिर ये आपकी कमजोरी नहीं है, आपके लोग आपकी पार्टी छोड़कर जाते हैं? देखिए मैडम, कईयों को ईडी का डर है, कईयों को सीबीआई का डर है। पानीपत में भी ईडी सीबीआई का डर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे देश में देख लीजिए, यहाँ क्या है, जो विरोध करता है उसके ऊपर FIR मुकदमा, जबरदस्ती का खेल, तानाशाही के अलावा इस 9.5 साल में हरियाणा की जनता ने कुछ नहीं भुगता है। तानाशाही और दीपकमल जी आप लोग साथ में इनके रहे, यहाँ इतनी डर की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही, आप लोग क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे? एक बात तो मैं कहूँ, ईडी और सीबीआई का डर सबसे ज्यादा हरियाणा में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, उनके ऊपर 6-6 केस चल रहे हैं सीबीआई के, सबसे ज्यादा डर है उनको, और वो बीजेपी की बी टीम बन के ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जगह जगह पर। क्या कह रहे हो आप, कांग्रेस को कह रहे हो बीजेपी की बी टीम? आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, अरे हंस लेना, ये जो इनकी बेहूदगी है ना, यही इनको रोकेगी, जो इनकी बेहूदगी है। पिछले 10 साल में राज्यसभा के हरियाणा में 12 चुनाव हुए हैं,
12 में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आदमी राज्यसभा में गया है, उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा, और उसके सामने बीजेपी ने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया। 11 बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा की सीटें बीजेपी को गिफ्ट की हैं। ये हो क्या रहा है? आरोप तो आप लोगों पर लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हो। यहाँ पर जेजेपी वाले कह रहे हैं ये भूपिंदर सिंह हुड्डा ही बीजेपी से मिले हुए हैं, डर रहे हैं ईडीसीबीआई से। ईडीसीबीआई से वो डरता है जिसके पास अब एदमाल हो। हमारे को हम नहीं डरते ईडी से। हुड्डा जी के पास है क्या? हुड्डा जी के पास नहीं है तो और है नहीं बाल जो इतना मुकदमे दर्ज हो रहे। खुल के बोलो ना, 400 पेजों की जो चार सीट है वो दाखिल हो रही है, और हर बारी जैसे ही टाइट करते उसको ये कह रहे हैं ना भाई साहब, हुड्डा जी का बात नाम ले रहे थे, एक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा किस पार्टी ने मुख्यमंत्री को घोषणा की कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होगा? तो ये नाम क्यों नहीं बताते राहुल गांधी जी को? तो बीजेपी ने की नहीं है घोषणा की? नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो तो साफ तौर पर नायब सैनी नहीं कर रहे। जनता को इतना बड़ा धोखा दे रहे, कौन कर रहा है? विधि रूप से कौन कहता है कि नायब सिंह सैनी को घोषित किया? कौन कहता है कि हुड्डा को घोषित किया सीएम? हमने कर रखा है ना, हुड्डा को नहीं किया लेकिन नायब सिंह सैनी को तो घोषित किया। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अनिल विज जी वो अपना दावा कर रहे हैं, ये अलग बात है राव इंद्रजीत अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी की तो घोषणा की हुई है। नहीं घोषणा की, अगर घोषणा की होती सारे अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों बता रहे हैं? अनिल विज जी अपने आप को मुख्यमंत्री? ये सवाल है, आप लोगों के नेता जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को मान ही नहीं रहे हरियाणा में। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता ही नहीं मान रहे हैं। आपके कहने से क्या होगा? अनिल विज कह रहे हैं मुझे बना दो जी मुख्यमंत्री, मैं करके दिखा दूंगा हमारे न्यारे हरियाणा। पार्टी के नेताओं ने माननीय अमित शाह जी ने करनाल की रैली में ये सुनिश्चित कर दिया कि आप नायब सिंह सैनी जी के नेता। सवाल है लोगों के, सवाल है, जल्दी से हाथ उठाइए, किसके सवाल है ये बताइए मुझे। हरियाणा में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है, पहलवानों का कितना बड़ा होने वाला है, क्या सवाल है बताइए? नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे सवाल पूछिए, सवाल सवाल नहीं, मैं सवाल नहीं है कोई सवाल, सवाल आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आओ, आप आगे आओ, सवाल क्या है? मेरा सवाल ही कांग्रेस वालों से है, ये सरेआम वो नौकरी बेचने की बात करते हैं, इनका कुलदीप शर्मा जो गोहाना से वो कैंडिडेट है गन्नौर से, और जो गोगी यहाँ से असम से कैंडिडेट है, और वो फरीदाबाद वाला साहब कह रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।